नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। वीडियो के पार्ट में दोस्तों आज हम लोग पास नियम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें हम लोग देखेंगे और कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और वीडियो पसंद पड़ने पर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पास नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5 मेंबर्स अर्थात 5 सदस्यों को अपने सुविधा पास में आश्रितों सहित शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या सेवोत्तर मानार्थ पास में विधवा माँ को शामिल किया जा सकता है। कैन विडो मदर बी इंक्लूडेड इन पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही होगा, इसमें ट्रू होगा, अर्थात पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो कंप्लीमेंट्री पास होता है उसमें आप लोग विडो मदर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, अर्थात उनका भी नाम इसमें जुड़ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या तलाकशुदा या विधवा पुत्री की संतान को आश्रितों के रूप में पास में शामिल किया जा सकता है। कैन ए डिवोर्स्ड अब्लिक विडो डॉटर्स सन बी इंक्लूडेड एज डिपेंडेंट फॉर पास। इस क्वेश्चन में जो तलाकशुदा या विधवा पुत्री होती है उसकी जो संतान होती है उसको आश्रित के रूप में पास में शामिल किया जा सकता है कि नहीं, यही इसमें बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गलत, उनको नहीं शामिल किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार, क्या कानूनन रूप से तलाकशुदा बहन को सुविधा पास में आश्रितों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। कैन लीगली डाइवोर्स्ड सिस्टर बी सोन एज डिपेंडेंट इन पास। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई बहन है और वह तलाकशुदा है तो आश्रितों के रूप में अर्थात आश्रितों की श्रेणी में उस तलाकशुदा बहन को शामिल किया जा सकता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही होगा, उसको शामिल किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच, सेवोत्तर मानार्थ पास में कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कम्प्लीमेंट्री पास। जो कम्प्लीमेंट्री पास होता है अर्थात मानार्थ पास होता है उसमें कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम 2 अर्थात मैक्सिमम 2। दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में कम्प्लीमेंट्री पास की बात की गई है, प्रिविलेज पास की बात नहीं की गई है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, स्कूल अकाउंट पास में पुत्र के मामले में किस आयु तक अभिभावक को शामिल किया जा सकता है। इन द केस ऑफ सन, टिल व्हाट एज कैन द पेरेंट्स बी इंक्लूडेड इन स्कूल पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, 18 वर्ष तक, अप टू 18 ईयर्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया है कि अभिभावक को शामिल किया जा सकता है, जबकि यहाँ पे स्कूल पास में जो है पुत्र को कितने वर्ष तक शामिल किया जा सकता है ये होना चाहिए, तो 18 वर्ष तक शामिल किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्रेड वेतन लेवल 5 के कर्मचारियों को कितने सेट द्वितीय श्रेणी ए का पास जारी किया जा सकता है। हाउ मेनी सेट्स ऑफ पास कैन लेवल 5 एम्प्लॉइज बी इश्यूड इन सेकेंड ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 सेट। लेवल 5 के कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी ए का पास 3 सेट दिया जाता है।
सेकेंड एसी का पास। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्या ग्रेड वेतन लेवल 6 रुपए वाले कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है? कैन द ग्रेड पे लेवल 6 इम्प्लाइज बी इशूड फर्स्ट क्लास पास? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही अर्थात ट्रू अर्थात दिया जा सकता है। जो लेवल 6 के कर्मचारी होते हैं उनको प्रथम श्रेणी का पास जारी किया जाता है, तो यह बिल्कुल ही सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय श्रेणी ए सुविधा पास धारक मुफ्त में परिचारक ले जा सकते हैं? कैन द सेकेंड क्लास ए पास होल्डर टेक अटेंडेंट फॉर फ्री? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत अर्थात फॉल्स, यानी सुविधा पास धारक जो होता है द्वितीय श्रेणी ए का, वह अपने साथ परिचारक को अर्थात अटेंडेंट को नहीं ले जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर मृत्यु के पश्चात ग्रुप ए बी की विधवा को प्रतिवर्ष कितने सेट पास दे है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स ऑफ सर्विस हाउ मेनी सेट्स ऑफ पासेस पर ईयर इज पास्ड टू द विडो ऑफ ग्रुप ए बी आफ्टर डेथ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ष 1.5 सेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में देय सुविधा पास की अधिकतम संख्या क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पास गिवन टू एन ऑफिसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 फुल सेट अर्थात 6 फुल सेट्स इनके लिए देय है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के स्क्रीन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद पड़े तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा। क्या प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर सकता है? कैन द फर्स्ट क्लास पास होल्डर ट्रेवल इन राजधानी एक्सप्रेस? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही होगा ट्रू होगा, ऑप्शन पहला सही है। तो प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर सकता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर। न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा पश्चात सेवानिवृत्त होने पर मानार्थ पास देय होता है? व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री पास? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 वर्ष 20 ईयर्स, मतलब 20 वर्ष न्यूनतम अगर आप सर्विस करते हैं और उसके पास सेवानिवृत्त होते हैं तभी आपको मानार्थ पास देय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या स्कूल खाते के पास में यात्रा विराम का अनुमति है कि नहीं? इज ट्रेवल ब्रेक अलाउड विद इन द स्कूल अकाउंट पास? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हाँ, यदि पास में उल्लिखित हो अर्थात यदि पास में यात्रा विराम अर्थात ब्रेक जर्नी उल्लेखित है तो इसके लिए आप उसमें ब्रेक जर्नी ले सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर। यदि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी मानार्थ पास का दुरुपयोग करता है तो क्या अनुशासन नियमों के अधीन उसके अगले पासों को जब्त किया जा सकता है? इफ ए रिटायर्ड एम्प्लॉई मिसयूज द कंप्लीमेंट्री पास कैन हिज नेक्स्ट पास बी कॉन्फिस्केटेड अंडर डिसिप्लिन रूल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ट्रू अर्थात सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या परिवार का कोई सदस्य या आश्रित दोनों आंखों से अंधा हो और पीटीओ पर अकेले यात्रा कर रहा हो तो साथी को उस श्रेणी के यात्रा करने की अनुमति है, अर्थात उस अंधे व्यक्ति के लिए एक
सहारे के रूप में अगर साथी कोई जाता है तो उसकी अनुमति है कि नहीं। इफ़ एनी मेम्बर ऑफ द फैमिली डिपेंडेंट इज ब्लाइंड विथ बोथ आई एंड ट्रेवलिंग एलोन ऑन द पीटीओ देन द पार्टनर इज अलाउड टू ट्रेवल इन द सेम कैटेगरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला जो कि ट्रू है अर्थात सही है। दोस्तों इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या अर्जुन या राष्ट्रपति पुरस्कार या फिर पद्मश्री प्राप्त खिलाड़ियों को उच्च श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं। कैन अर्जुन अब्लिक प्रेसिडेंट्स अवार्ड अब्लिक पद्म विनर्स इज इश्यूड विथ पास ऑफ हायर क्लास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि ट्रू है अर्थात सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को जो न्यायिक मामलों में रेलवे का प्रतिनिधित्व करता है को विशेष पास दिया जा सकता है। ए रिटायर्ड पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द रेलवे इन जुडिशियल मैटर कैन बी गिवन ए स्पेशल पास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ट्रू है अर्थात सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रनिंग स्टाफ को प्रथम श्रेणी पास की पात्रता हेतु रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द रनिंग अलाउंस इज कैलकुलेटेड फॉर रनिंग स्टाफ फॉर फर्स्ट क्लास पास एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 30% अर्थात 30%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, 21 वर्ष या अधिक की आयु के पुत्र अथवा आश्रित को बिना स्कूल प्रमाण पत्र के सुविधा पास में शामिल कर लेने की अनियमितता को माफ या कंडम। इज द जनरल मैनेजर कंपिटेंट ऑफ वेविंग द ई रेगुलेटरी इंक्लूडिंग ए सन एज्ड मोर देन 21 ईयर्स इंडिपेंडेंट विदाउट ए स्कूल सर्टिफिकेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल ट्रू है अर्थात सत्य है, अर्थात इस प्रकार की अनियमितता को महाप्रबंधक माफ कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, सुविधा आदेश टिकट पर वापसी यात्रा हेतु कितनी अवधि की वैधता दी जा सकती है। व्हाट इज पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर रिटर्न ट्रिप ऑन प्रिविलेज टिकट ऑर्डर अर्थात PTO। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 माह अर्थात 5 मंथ। PTO की वैलिडिटी 5 मंथ्स की होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक रेल कर्मचारी की न्यायालय द्वारा अलग की गई पत्नी को मुफ्त पास जारी किया जा सकता है। कैन प्रिविलेज पास बी इशूड इन फेवर ऑफ लीगली डाइवोर्स वाइफ ऑफ ए रेलवे एम्प्लाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एस होगा, यदि कर्मचारी चाहे तो, एस इफ द एम्प्लाई वांट्स। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लाइसेंस शुदा पोर्टर को देय पास की अवधि कितनी होती है। इज द वैलिडिटी ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास इशू टू लाइसेंस्ड पोर्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 माह अर्थात 2 मंथ्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दूसरा दर्जा ए पासधारी किस श्रेणी में यात्रा का हकदार है। सेकेंड क्लास ए पास होल्डर इज इंटाइटल्ड टू ट्रेवल इन विच कैटेगरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए AC 3 टायर में अर्थात इन AC 3 टायर AC। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्या वैधानिक रूप से तलाकशुदा बहनों को पास मिलेगा। विल द लीगली डाइवोर्स सिस्टर गेट द पास। तो इसका उत्तर हाँ, पिता जीवित न हो तथा कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो तो मिलेगा। एस इफ द फादर इज नॉट अलाइव एंड फुली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लाई देन ही विल गेट। तो दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं वीडियो के लास्ट में क्विज ऑफ द डे, भारतीय रेल कुल कितने देश में चलती है। तो 4 ऑप्शंस में से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर पता होगा तो आप लोग देश के बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि किस किस देश में भारतीय रेल
चलती है उस देश का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग इसके बारे में भी बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू आप सभी दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।